बिहार के एक अधिकारी ने पेश कर दी नजीर, हौसलों के दम पर बेतिया की बदल दी तस्वीर। पूरे बिहार में उस अधिकारी के नाम की चर्चा। बेतिया के डीएम दिनेश कुमार राय के फैसलों से हर कोई हैरान। न बिहार में ऐसा कोई अधिकारी हुआ, न कोई होगा। योजना से लेकर लोगों की सुरक्षा का खुद ही उठा लिया बीड़ा। पटना तक है दिनेश कुमार राय के कामों की चर्चा। उद्देश्य यह है कि सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको लोगों तक बताया जाए कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसके बेहतरी के लिए और कौन सा प्रयास किया जा सकता है। और इस जन संवाद में सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग, जनप्रतिनिधि चाहे आम लोग हों, तो सब लोगों से सुझाव लिया जाता है सरकार की योजनाएँ कैसी चल रही है, इसमें और बेहतर कैसे किया जाए और इसको धरातल पर कैसे उतारा जाए। जन संवाद का तात्पर्य यही है कि सरकार की चलाई जा रही कल जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाए और लोगों की बात सुन करके उस पर अमल किया जाए। ये बिहार के बेतिया की डीएम दिनेश कुमार राय एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने जनता के दिल में ये विश्वास जगाया कि सरकार उनके साथ है, और इसके लिए उन्होंने पटना से चलने वाली हर एक योजना का लाभ जनता तक पहुंचा कर किया। यही नहीं, दिनेश कुमार राय इसलिए भी बिहार के सबसे चर्चित डीएम हो गए कि बेतिया में महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। वक्त वक्त पर वर्कशॉप करके महिला सुरक्षा के हालातों पर चर्चा से लेकर सीधे महिलाओं से संवाद करते हैं। ऐसे में उस बिहार की तस्वीर दिनेश कुमार राय की वजह से बदल रही है जिस बिहार को एक वक्त पर असुरक्षित माना जाता था। डीएम दिनेश कुमार राय वही कर रहे हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं कि खुशहाल बिहार। इसलिए ही दिनेश कुमार राय नीतीश कुमार के सबसे पसंदीदा अधिकारी भी हैं। दिनेश कुमार राय के जज्बे से सरकार भी खुश। नीतीश कुमार ने सोचा वो दिनेश कुमार ने बेतिया में कर दिखाया। अमूमन अधिकारी अपने आलीशान दफ्तर में बैठकर सिर्फ फाइलों के जरिए किसी भी राज्य या जिले की तस्वीर को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं, लेकिन दिनेश कुमार राय के साथ ऐसा नहीं है, जिसकी तस्दीक करती है ये तस्वीर। दफ्तर से बाहर निकलना, गांव और कस्बे तक पहुंचना, चौपाल लगाना, लोगों से मुलाकात करना और खासकर महिलाओं से संवाद कर सुरक्षा और योजना पर चर्चा करना दिनेश कुमार राय को अच्छा भी लगता है। और दिनेश कुमार राय की इस नीति का असर भी बेतिया में दिखने लगा, जहां लोगों का विश्वास सरकार और सरकारी कामकाज पर बढ़ा है, तो वही महिलाओं में भी सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। ऐसे में बेतिया में किए गए कामों की चर्चा पटना तक है। एक तरफ नीतीश कुमार जैसे सीएम जो मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते हैं, उनको अपनी ही तरह के एक अधिकारी दिनेश कुमार राय के तौर पर मिले हैं, जिनकी आवाज और जिनकी बातें भरोसे का प्रतीक है। स्पेशल डेस्क द कंटा।